अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो आपके पास है अफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन एंजाइम्स, यानी टेम्परेचर का क्या अफेक्ट होता है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर या एंजाइम की वर्किंग के ऊपर, ये देखेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि एंजाइम का जो एनवायरनमेंट होता है या एंजाइम का जो माहौल होता है या जिस सिस्टम के अंदर एंजाइम वर्क कर रहा होता है, अगर उसका टेम्परेचर वहाँ पे सूटेबल होगा तो उसकी जो एक्टिविटी है वो भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। लेकिन अगर एंजाइम किसी ऐसे सिस्टम के अंदर वर्क कर रहा है, ऐसे सिस्टम के अंदर अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है, तो फिर क्या होता है कि एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। लेकिन तीसरी चीज़ आपने हमेशा याद रखनी है कि अगर जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर है जो किसी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए या वर्किंग के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर चाहिए, अगर वो नहीं है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो है या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, तो इस सूरत में भी जो एंजाइम की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ये दोनों कंडीशन, टू लो टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर, ये दोनों कंडीशन जो है ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिस्टॉर्ट कर देती हैं, ख़राब कर देती हैं। लेकिन एक चीज़ जो चौथे नंबर पे आ रही है आपके पास, वो ये है कि जो हीट है ये एंजाइम की एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि ये जो हीट है ये एज अ एक्टिवेशन एनर्जी काम करती है। और हमने पहले पढ़ा हुआ है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है। एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि एंजाइम को ये सलाहियत देती है कि वो कोई भी केमिकल रिएक्शन स्टार्ट कर सके और सब्सट्रेट्स को प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट कर सके। इस वजह से इसे दोबारा से रिपीट कर लेते हैं, देखें कि कोई भी एंजाइम जो कि एनवायरनमेंट के अंदर मौजूद है या अपने एक सिस्टम के अंदर मौजूद है जहाँ पे वो काम कर रहा है, अगर वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ तो उसकी जो एक्टिविटी है वो ठीक चलेगी, अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हुआ तो जो एक्टिविटी जो है एंजाइम की वो रिड्यूस हो जानी है। लेकिन जितना सपोज कर लें कि आपके पास कोई एंजाइम था, उससे टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, लेकिन उसका जो टेम्परेचर आपने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है या जिस सिस्टम के अंदर वो काम कर रहा है उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है या 37 से बहुत ज़्यादा कम कर दिया है, तो ये दोनों कंडीशन जो है ये एंजाइम की एक्टिविटी को कम कर देंगी। अब इसे आगे देखेंगे हम, अब देखेंगे हम ये देखेंगे कि ये जो एंजाइम किसी भी सिस्टम के अंदर जो मौजूद है उस सिस्टम के अंदर जो हीट है वो किस तरह से अपना किरदार अदा करती है उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए या डिक्रीज करने के लिए। तो पहले ये देखेंगे कि जो हीट है वो एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, रिक्वायर्ड हीट किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट होती है। वो पहले नंबर पर ये कि हीट की प्रेजेंस में सब्सट्रेट के मॉलिक्यूल्स और जो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं इनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो मोमेंट है, वो इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से सब्सट्रेट और रिएक्टेंट के जो मॉलिक्यूल हैं उनके दरमियान कोलिजन्स बढ़ती हैं, टकराव बढ़ता है, जिसकी वजह से सब्सट्रेट और रिएक्टेंट आपस में ज़्यादा से ज़्यादा बाइंड होंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा सब्सट्रेट और रिएक्टेंट आपस में बाइंड होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बनेंगी। अगर प्रोडक्ट्स का रेट इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट बनने का जो रेट है इंक्रीज हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि जो एंजाइम अपनी एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और इस वक्त एंजाइम का जो रिएक्शन रेट है वो ज़्यादा है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि टू मच जो हीट है वो किस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी को खराब करती है या डिस्टॉर्ट करती है। आपने हमेशा याद रखना है कि अगर टू मच हीट होगी या टू मच टेम्परेचर होगा तो वो एंजाइम का जो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है उसे ख़राब कर देगी। जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ख़राब होता है तो एंजाइम की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो जाती है? क्योंकि ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से जब एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ख़राब होगा तो उसकी जो एक्टिव साइट उसकी उसकी जो एक्टिव साइट जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है सब्सट्रेट को अपने साथ बाइंड करने में, तो जब एक्टिव साइट खराब होगी तो सब्सट्रेट जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होगा तो आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो अगर किसी एंजाइम को 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर चाहिए था, आपने क्या किया है उसका टेम्परेचर जो है वो 39 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिया, तो इस सूरत में क्या होना है कि जो एंजाइम है उसका ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खराब हो जाएगा, एक्टिव साइट खराब हो जाएगी, उसकी जो एक्टिव साइट है वो सब्सट्रेट को अपने साथ नहीं बाइंड कर पाएंगी और प्रोडक्ट्स नहीं बनेंगी। इसका ये मतलब बनता है अल्टीमेटली एंजाइम की जो वर्किंग कैपेबिलिटी है या एंजाइम का ग्लोबुलर स्ट्रक्चर खराब होने की वजह से उसका रिएक्टेंट को प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करने का जो रेट है वो रिड्यूस हो गया। तो अगर आप ये चाहें कि आप किसी सिस्टम से हीट को निकाल के एंजाइम से काम लेना चाहें तो ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हीट जो है ये एज अ एक्टिवेशन एनर्जी प्रोवाइड करती है। एक्टिवेशन एनर्जी कौन सी होती है? एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो ह्यूमन के केस में जो सबसे बेस्ट टेम्परेचर होता है सेल्स के अंदर,
एंजाइम की वर्किंग के लिए वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर 37 से ज़्यादा हुआ या 37 से कम हुआ, दोनों सूरतों में आपके सेल्स के अंदर जो एंजाइम है वो काम करना छोड़ देंगे। जब सेल्स के अंदर एंजाइम काम करना छोड़ेंगे तो मेटाबॉलिज्म रिड्यूस हो जाएगी। जब मेटाबॉलिज्म रिड्यूस होगी तो एनर्जी नहीं बनेगी, आपका जो सेल है एनर्जी डिप्राइव हो जाएगा। सेल की बहुत सारी एक्टिविटीज़ जिस तरह के एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, ये सारी की सारी जो एक्टिविटीज हैं ये रिड्यूस हो जाएंगी और इवन के जो सेल है उसकी डेथ भी हो सकती है। अगले टॉपिक में हम पीएच का जो किरदार है या जो पीएच का रोल है एंजाइम की एक्टिविटी के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद जो एंजाइम की करेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो भी एंजाइम के हवाले से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे।